पुंछ की नामवार पर्सनैलिटीज, जानी मानी शख्सियत ने यहाँ जो आगजनी हुए, जो लोग जिनके मकानात नज़रे आतिश हुए हैं, उनको देखने के लिए अलग अलग पर्सनैलिटीज वहीं पर आज रियाज आतिश साहब के साथ अलोंग विद आफ्ताब साहब ने आज तशरीफ़ लाई यहाँ पर। और यहाँ के जो मुतासरीन, जो ये आग मुतासरीन जो लोग कुंभा जात थे, उनको यकीन दहानी दिलाई और कुछ अपनी औकाफ की तरफ से इनको इमदाद करने की भी यकीन दहानी कराई। इसके साथ साथ अलग अलग पार्टियां, चाहिए ये 40 आरआर हो या फिर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर सिविलियन हो, तमाम यहां पर यकीन दहानी करा कर जा रहे हैं कि हम माली तौर पर इतना इमदाद करेंगे, लेकिन उस तरह इमदाद नहीं कर सकेंगे जो जितना बड़ा लॉस हुआ है। इसको चलकर आज रियाज आतिश साहब और अलोंग विद आफ्ताब साहब आए और उन्होंने यहाँ कुछ जो है ज़रूरियाती डॉक्यूमेंट्स उन मुतासरीन से लिए और लेकर उनको यकीन दिलाई कि फौरी तौर पर हम चंद दिनों के अंदर जितना हमसे हो सके उतनी हम इमदाद करके, ताकि आपका जो पहले की तरह गुजर बसर था इसको कंटिन्यू कर सकें। और मैं तमाम इन बॉडीज़ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि इस मुसीबत के घड़ी में वो काम आ रहे हैं। और तमाम एनजीओज़ का, ये जो भी सिस्टमेटिक जो इसमें आ रहे हैं, उसका शुक्रिया अदा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबने देखा कि रात को एक हमारी सावजिया में एक पंचायत है गगड़िया छोल में, जो 5 मकान थे जिनको अचानक आग लग गई, और ये मकान जो 5 कुंबे हैं पूरे गरीब और मुश्किल लोगों के थे बेचारों के, जिनका लाखों के हिसाब से नुकसान हुआ। जब ये सुना मैंने तो मैं पुंछ से यहाँ पे आया, मैंने कहा कि वहाँ उनके दुख में शामिल होना बहुत ज़रूरी है, और मैंने उनको यकीन दानी भी दिलाई जो काफ़ी इस्लामिया की तरफ से जो भी इमदाद, जो भी मदद होगी इंशाल्लाह हम इनकी करेंगे। क्योंकि ये एक ऐसा वक्त होता है कि हर एक इंसान को उनके साथ जुड़ना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, और हर एक इंसान, पूंजीवादी लोग जो हैं, सरमायादार लोग जो हैं, उनको आगे आकर इन लोगों की मदद करनी चाहिए। और ये बहुत ही दुख की घड़ी है, क्योंकि आज वो छोटे छोटे बच्चे मैंने देखे जो टेंट में इस टाइम रह रहे हैं वहाँ पर, और बड़ा अफसोस हुआ मुझे ये देख कर। अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी इनकी मदद कर रही है इंशाल्लाह, जहाँ तक औकाफ़ इस्लामिया का है वहाँ पर हम पूरी इनकी मदद करेंगे। और मेरी गुजारिश है तमाम जितने भी एनजीओज़ हैं, जितने भी यहाँ सोशल एक्टिविस्ट हैं या पॉलिटिकल लोग हैं और अच्छे सरमायादार लोग हैं, वो आकर इस टाइम लोगों की मदद करें। अल्लाह ताला के यहाँ पर इम्तिहान है, और मैं अल्लाह ताला से यही दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनको सब्र दें।